एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 8 दैट इज रेशनल नंबर्स में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द सम। आपको सम फाइंड करना है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में है 5/4 प्लस माइनस 11/4। ठीक है, सबसे पहले आप ये वाला ब्रैकेट हटा दीजिए तो हो जाएगा 5/4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 11/4। अब देखिए यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स हैं इनका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं और न्यूमरेटर में जो भी गिवन होता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। 5 माइनस 11। ठीक है, 5 माइनस 11, 5 पॉजिटिव में है, 11 निगेटिव में है। नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे कितना आएगा? 6। साइन कौन सा होगा? जो लार्ज नंबर का साइन है, तो यहाँ पे लार्ज नंबर है 11, 11 का साइन है निगेटिव। ठीक है, तो साइन होगा निगेटिव 6/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों दो से डिविजिबल है, 2 3 6, 2 2 4, कितना आ जाएगा? -3/2। दिस इज द आंसर। तो पहले वाले का सम आया -3/2। इरेज करती हूं। सेकेंड में है 5/3 प्लस 3/5। देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। उसके लिए हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। ठीक है, सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कितना होगा? 5 3 15, आप लेके देख सकते हैं, 3.5, 3 1 3, देन उसके बाद 5 1 5। एलसीएम कितना आएगा? 3 × 5 is equals to 15। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को हम 15 बनाएंगे। देखिए यहाँ पे है 5/3, इसके डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15। अब डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद प्लस 3/5 है, इसको इसके डिनोमिनेटर को 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराइए, 5 5 25/5 3 15 प्लस 3 3 9/5 3 15। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लीजिए और ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसको भी एज इट इज लिख लीजिए। 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 9 5 14, कैरी आया 1 3, 34/15। दिस इज द आंसर। तो इसका सम कितना आया? इसका सम आया 34/15। नोट डाउन करिए। नाउ थर्ड, -9/10 प्लस 22/15। यहाँ पे भी दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। सबसे पहले इनको हम सेम बनाएंगे, उसके लिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 चलिए करके देख लेते हैं। 10/15, सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 5 10, 15 एज इट इज हो जाएगा, उसके बाद 3 से करिए, 3 5 15, देन उसके बाद 5 से डिवाइड करिए, 5 1 5 5 1 5, एलसीएम कितना आ गया? 5 3 15, 15 2 30। तो दोनों के डिनोमिनेटर को हम 30 बनाएंगे। देखिए -9/10 है, 10 में किससे मल्टीप्लाई कर देगी? 30 आए 3 से। अब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद प्लस 22/15, 15 में किससे मल्टीप्लाई करेगी? 30 हो जाए 2 से, नीचे किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 9 3 27, माइनस का साइन लगा दीजिए, अपॉन 10 3 30 प्लस 22 2 44/15 2 30। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लीजिए और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, 44, एक का साइन पॉजिटिव है, एक का साइन निगेटिव है, नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 44 में से 27 गया कितना आएगा? 14 में से 7 गया 7 एंड 3 में से 2 गया 1। और साइन कौन सा लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन होगा, तो यहाँ पे लार्ज नंबर कौन सा है? 44, 44 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का 17 आएगा। ठीक है, 17/30, दिस इज द आंसर। तो इसका सम कितना आया? 17/30। इरेज कर देती हूं।
बाद फोर्थ, फोर्थ में है माइनस थ्री अपॉन माइनस इलेवन प्लस फाइव अपॉन नाइन। देखिए यहाँ न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या थ्री अपॉन इलेवन प्लस फाइव अपॉन नाइन। अब यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, उसके लिए हम इलेवन और नाइन का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ इलेवन एंड नाइन कितना आएगा, 99। आप यहाँ पे लेके देख सकते हैं इलेवन और नाइन का, ठीक है। थ्री से डिवाइड करिए, थ्री थ्री जा नाइन, फिर से थ्री से डिवाइड करिए, थ्री वन जा थ्री, देन उसके बाद इलेवन से इलेवन वन जा इलेवन, तो कितना आ गया एलसीएम, इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री, थर्टी थ्री थ्री जा नाइनटी नाइन। तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर को हम 99 के बराबर बनाएंगे। देखिए 3 अपॉन 11, 11 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 99 आ जाए, 9 से। अब डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 5 अपॉन 9, 9 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 99 आ जाए, 11 से। अब डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 3 जा 27 अपॉन 99 प्लस 11 5 जा 55 अपॉन 99। अब डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं, ठीक है, तो एज इट इज लिख लीजिए और न्यूमरेटर में जो है उसको भी एज इट इज लिख लीजिए, ऐड कर दीजिए 55 और 27 को, 75 12 कैरी आया 1, 5 2 7 7 1 8, 82 अपॉन 99, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इसका सम कितना आया फोर्थ का, 82 अपॉन 99। इरेज कर देती हूं, नाउ फिफ्थ, फिफ्थ में है माइनस एट अपॉन 19 प्लस माइनस टू अपॉन 57। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन 57, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे, उसके लिए 19 और 57 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 19 एंड 57 कितना आएगा, 57 ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। देखिए 19 और 57, 19 वन जा 19, 19 थ्री जा 57, या फिर पहले आप 3 से डिवाइड करिए, 3 से, तो यहाँ पे आएगा 19 और यहाँ पे आएगा क्या, 3 वन जा 3, 3 नाइन जा 27, देन उसके बाद 19 से डिवाइड करिए, 19 वन जा 19, 19 वन जा 19, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया आपका 19 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 57, ठीक है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को अब हम 57 के बराबर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे है माइनस एट अपॉन 19, 19 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 57 आ जाए, 3 से। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद माइनस टू अपॉन 57, इसका डिनोमिनेटर तो 57 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 3 जा 24 अपॉन 19, 3 जा 57 माइनस 2 अपॉन 57। डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं, अब डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दीजिए और न्यूमरेटर में जो है उसको भी एज इट इज लिख दीजिए, माइनस 24 माइनस 2, दोनों के साइन निगेटिव है तो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन निगेटिव का ही होगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, माइनस 26 अपॉन 57, दिस इज द आंसर। इसका सम कितना आया, माइनस 26 अपॉन 57। इरेज कर रही हूं, नाउ सिक्स्थ, सिक्स्थ में तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस टू अपॉन थ्री है प्लस जीरो है, किसी भी नंबर में आप जीरो को ऐड करोगे वही नंबर आता है, ठीक है। तो माइनस टू अपॉन थ्री इसका आंसर होगा, माइनस टू अपॉन थ्री। नाउ सेवेंथ, सेवेंथ में है माइनस टू होल वन अपॉन थ्री प्लस फोर होल थ्री अपॉन फाइव, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन अपॉन थ्री और साइन निगेटिव है, प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस थ्री, ट्वेंटी थ्री अपॉन फाइव। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, उसके लिए हम थ्री और फाइव का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ थ्री एंड फाइव कितना आएगा, 5 थ्री जा 15 आएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर को 15 के बराबर बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन माइनस सेवन अपॉन थ्री इंटू थ्री में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 15 आ जाए, 5 से, ऊपर भी 5 से करेंगे, प्लस 23 अपॉन 5, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा, तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
माइनस 7 5 जा 35 अपॉन 15 प्लस 23 3 जा 3 जा 9 3 2 जा 6 अपॉन 15। डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं, अब डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लीजिए और न्यूमरेटर में जो है उसको भी एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस का 69। एक नंबर पॉजिटिव में है, एक नंबर निगेटिव में है, नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन उसका लगेगा जो लार्ज नंबर है। तो लार्ज नंबर 69 है, 69 का साइन पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। 69 में से 35 सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। तो 34 अपॉन 15 दिस इज द आंसर, इसका सम आया 34 अपॉन 15। प्लीज नोट डाउन। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।